हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारा संदीप सर आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, न्यूमेरिकल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो मेथड्स है सिलेबस में, एक है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। वन बाय वन हम दोनों के टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारा जब डिराइव करेंगे ना तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, पी जीरो इंटू क्यू जीरो। डेल्टा क्यू हमारा क्या है, डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू पी, ये क्यू वन माइनस क्यू जीरो, मतलब फाइनल क्वांटिटी में ओरिजिनल क्वांटिटी घटा देंगे तो डेल्टा क्यू आएगा। एंड व्हाट इज डेल्टा पी, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन माइनस पी जीरो, मतलब फाइनल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी। दूसरा हमारा क्या है, व्हाट इज पी जीरो, पी जीरो हमारा क्या है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस, मैंने पहले जो प्राइस था वो हमारा है इनिशियल प्राइस दैट इज पी जीरो। अब प्राइस चेंज कर गया मतलब बढ़ गया या घट गया तो ये हम कहलाता है फाइनल प्राइस, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा पी। वैसे ही क्यू जीरो जो हमारा है ना, क्यू जीरो इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस दैट इज पी जीरो। एंड व्हाट इज क्यू वन, क्यू वन इज इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी जो घट गया या बढ़ गया एज पर द सिचुएशन। यही चार कंपोनेंट्स है जिसके बेसिस पर हमें कैलकुलेशंस करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन कि ये दिया रहेगा 20% यहां लिखा हुआ है फॉल इन प्राइस, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 25%, 20% प्राइस फॉल कर गया। तो जस्ट नोट इट डाउन हियर कि परसेंटेज फॉल इन प्राइस, जब भी फॉल या डिक्रीज होगा ना तो वो हम लिखेंगे नेगेटिव करके, नेगेटिव सिंपल, सो द डायरेक्शन दिस इज इक्वल टू माइनस दैट इज 20%, 20% हमारा प्राइस फॉल कर गया। एंड व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज दैट इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी में कितना आया हमारा, दिखा हुआ है 25%। ठीक है, यही दो क्वांटिटी दिया हुआ है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालना है। बस फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड परसेंटेज चेंज जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ना, यू हैव टू नोट इट डाउन, अदरवाइज नंबर तुम्हारा नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। तो एवरी टाइम जब भी कैलकुलेट करो तो राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों का जो रेशियो है वो इलास्टिसिटी है। दिस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 25 डिवाइडेड बाय माइनस 20, दिस इज इक्वल टू माइनस 5/4 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1.25, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, सिंपल कैलकुलेशन। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें परसेंटेज चेंज या तो प्राइस या क्वांटिटी का दिया हुआ रहेगा और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू निकालना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें इस टाइप में कि दिया हुआ है क्या, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट, हियर इट इज गिवन पी जीरो दैट इज इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू गिवन ₹8 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज इक्वल टू क्यू जीरो इज इक्वल टू 600 यूनिट्स, मतलब इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी दोनों दिया हुआ है। प्राइस फॉल्स बाय 25%, फॉल है तो नेगेटिव करके लिखेंगे, लिखेंगे क्या परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस घट गया कितना घटा तो 25%, दिस इज इक्वल टू 25%, तो 25% यहां जब लिखेंगे ना तो दिस इज इक्वल टू माइनस कर देंगे, मतलब नेगेटिव साइन सिंपली शोज डायरेक्शन ऑफ चेंज, वैल्यू हमारा परसेंटेज में नेगेटिव नहीं होता है
लेकिन इलास्टिसिटी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन दैट इज गिवन 25%, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 720 यूनिट्स, मतलब फाइनल क्वांटिटी इज गिवन 720 यूनिट्स। तो फाइंड आउट दैट इज डेल्टा क्यू। तो व्हाट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0, एंड व्हाट इज Q1 दैट इज 720, एंड व्हाट इज Q0 600 इज इक्वल टू 120। चेंज इन क्वांटिटी निकल गया हमारा दैट इज 120। नाउ परसेंटेज जो हमारा है ना इंक्रीज इन क्वांटिटी, ये हमें एक फॉर्मूले में चाहिए। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी? डेल्टा क्यू बाय Q0 और इनटू 100। व्हाई डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू 120, व्हाट इज Q0 600 और इनटू 100। ठीक है, दैट इज 20 कट गया हमारा यहां पर, दिस इज इक्वल टू 6 है ना 20। तो 20% का इंक्रीज हो गया हमारा क्वांटिटी में। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 1 ऊपर अपर पार्ट एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस लोअर पार्ट। दोनों का जो रेशियो हमारा है ना वही है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये दोनों का वैल्यू हमने एक का दिया हुआ है दैट इज 25%, एक का हमने निकाल लिया 20%, दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा होगा इलास्टिसिटी सॉरी इज इक्वल टू माइनस दैट इज 4/5 इज इक्वल टू -0.8 वैल्यू। मतलब इलास्टिसिटी का वैल्यू हमारा क्या हो गया 0.8 आया, लेस देन 1 है, इट इज इन इलास्टिक डिमांड। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहां पर दिया हुआ है कि प्राइस इंक्रीज फ्रॉम ₹4 टू ₹5 पर यूनिट, P0 इज इक्वल टू गिवन ₹4, P1 इज गिवन दिस इज इक्वल टू ₹5। ये दो क्वांटिटी दिया हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज बाय 20%, मीन्स परसेंटेज जो हमारा यहां पर है ना डिक्रीज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी का डिक्रीज का परसेंटेज दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 20%, मीन्स माइनस लिखेंगे और दिस इज 20%। परसेंटेज नेगेटिव नहीं होता, बट नेगेटिव सिंपली साइन द सो द डायरेक्शन। तो परसेंटेज चेंज लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले फाइंड आउट डेल्टा पी, जिसे डेल्टा पी दिस इज इक्वल टू P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ डेल्टा पी आ गया हमारा, नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस निकालेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस? तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय P0 और इनटू 100। डेल्टा पी कैलकुलेट कर लिया हमने 1, ओरिजिनल प्राइस दैट इज 4 इनटू 100 इज इक्वल टू 25%। नाउ 25% परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कैलकुलेटेड, परसेंटेज डिक्रीज इन क्वांटिटी इज गिवन, रेशियो दोनों का होगा इलास्टिसिटी। फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दैट इज अपर पार्ट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दोनों का जो रेशियो होगा हमारा ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज द आंसर इज इक्वल टू, क्वांटिटी कितना दिया हुआ है दैट इज -20, दिस इज -20 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू -0.8 दैट इज द आंसर। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया हुआ है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, लिखेंगे क्या EP इज इक्वल टू -2, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज नॉट गिवन नेगेटिव, बट यू हैव टू पुट माइनस साइन। कंज्यूमर बाइज अ सर्टेन क्वांटिटी विच इज नॉट गिवन, बट प्राइस इज गिवन ₹8, मतलब P0 इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू ₹8 पर यूनिट एट इज गिवन।
when price falls, then buys 50% more, means percentage increase in quantity is given. Percentage increase in quantity, that is equal to 50%. It is given. What is the new price? Naya price kya hoga? Matlab that is what is P1? P1 nikalna hame. Final price kitna hoga? Ye nikalna hai. Just write down the formula. Percentage wala formula hamara na, percentage change. To percentage increase. Quantity is increasing. To upar likhenge quantity. Percentage change in quantity divided by percentage change in price. In dono ka jo ratio hai, that is elasticity, and that is given is equal to -2. A value put up kar denge, this is equal to 50 by percentage change in price. Price ka jo percentage change hoga P, this is equal to -2. That is percentage change, agar price ka hum nikalenge na, kitna hua hamara percentage change in price, that is equal to 50 or divided by -2 is equal to -25. Mane price ka percentage change nikal gaya hamara 25%, matlab ye ghat gaya. Now what is percentage change in price? That delta P by P0 into 100 is equal to -25. That is equal to delta P divided by price is given, that is 8 into 100, this is equal to -25. That is delta P is equal to -25 into 8, that is -200 divided by 100 is equal to -2. अब हमारा ये डेल्टा पी जो है ना ये निकल गया, मतलब चेंज इन प्राइस जो हमारा है ना वो निकल गया हमारा. अब हमें निकालना क्या है, दैट इज प्राइस, न्यू प्राइस. डेल्टा पी क्या होता है हमारा, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस P0, दिस इज इक्वल टू -2. P1 हमें निकालना है, P0 इट इज गिवन, दैट इज 8 इज इक्वल टू -2, दैट इज P1, that is new price is equal to -2 plus 8 is equal to 6. But the final price jo hamara ho gaya is equal to rupees 6 per unit. Ab aate hain fourth questions pe. Is question mein bhi diya hua kya hai, elasticity of demand jo hai hamara wo diya hua hai, that is equal to 1. Yahan likhenge kya, elasticity of demand this is equal to -1. Hamesha it is negative, put negative sign jab bhi question banayenge, to nahi to answer galat ho jayega. At a price, price is not given, the quantity, that is Q0, original quantity, that is equal to given 60 units. It is given. ठीक है? It is 60 units. How many units will the consumer purchase? मतलब निकालना हमें है final quantity, ये में निकालना है. If the price falls by 10%, मतलब percentage fall in price, percentage fall in price, that is given 10%. ये हमारा fall means that is 10. तो -10%. ठीक है. Now again write down the formula, percentage formula का. EP is equal to percentage change in quantity upper part, percentage change in price lower part, दोनों का ratio elasticity. तो percentage change in price. अब ये जो quantity हमारा दिया हुआ है ratio, that is equal to -1. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें निकालना है, तो दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लिखेंगे ज्यों का त्यों, दैट इज डिजायर्ड इन द क्वेश्चन. अब उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज गिवन -10, इट इज इक्वल टू -1. दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू -10 into -10, 1, that is +10. Now percentage change in quantity कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर हमारा, that is delta Q by Q0 into 100 is equal to 10. ठीक है, ये हमारा formula है. Now delta Q
is equal to, that is 10 into Q0 divided by, that is 100. Q0 हमारा कितना दिया हुआ 60, तो 10 into 60 divided by 100, 10, this is equal to 6. Now change in quantity हमारा आ गया 6 आ गया. हम कैसे निकालेंगे Q1, that is delta Q is equal to Q1 minus Q0 and this is equal to 6. Q1 निकालना है, Q1 original quantity that is given 60 is equal to 6, तो final quantity कितना हो जाएगा is equal to 6 plus 60 that is equal to 66 units. मतलब 66 units हमारा नया quantity होगा अगर price 10% fall कर जाएगा तो, that is the answer. ठीक है, अब आते हैं हम third type of questions में जिसमें elasticity का value दिया हुआ रहेगा और इनमें से कोई चार ओरिजिनल प्राइस, फाइनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी कोई भी मिसिंग होगा उसको हमें निकालना होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर. यहां हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 10 पर यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड इज 100 यूनिट. मतलब ओरिजिनल प्राइस हियर इट इज गिवन रुपीज 10, ओरिजिनल क्वांटिटी इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 100 यूनिट्स. ये दोनों इनिशियल क्वांटिटी प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का दिया हुआ है. व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स टू 50 यूनिट्स. मतलब Q1 इज गिवन, फाइनल क्वांटिटी दिया हुआ है हमारा 50 यूनिट्स. व्हाट इज द न्यू प्राइस, दैट इज P1 इज रिक्वायर्ड हियर, निकालना है. और दिया हुआ क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, मतलब राइट इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू -2. ठीक है, सबसे पहले डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं. डेल्टा क्यू Q1 माइनस Q0 इज इक्वल टू Q1 50, Q0 100 इज इक्वल टू -50, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी. अब यहां लिखते हैं हम क्या फॉर्मूला, डिमांड इलास्टिसिटी का इज इक्वल टू डेल्टा क्यू by delta P into P0 by Q0 and that is given here is equal to -2. अब value जो है put up करते हैं, delta Q calculate किया हमने -50, delta P निकालना हमें है, P0 हमारा दिया हुआ that is 10, Q0 that is 100 is equal to -2, 1020 cancel, cross करेंगे multiplication, minus minus sign cancel, तो ट्वाइस डेल्टा पी दिस इज इक्वल टू दैट इज 5, मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5. अब हमारा डेल्टा पी निकल आया. अब डेल्टा पी हमारा क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस P0 एंड दिस इज इक्वल टू 2.5 जो हमने यहां पर निकाला. अब डेल्टा पी निकल गया हमारा, P1 प्राइस जो फाइनल है वो निकालना है और ओरिजिनल प्राइस हमारा दिया हुआ कितना 10 रुपीज, दिस इज 10 इज इक्वल टू 2.5, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू 2.5 प्लस 10 दैट इज 12.5. मतलब फाइनल प्राइस जो हमारा हो जाएगा, न्यू प्राइस कहते हैं रुपीज 12.50. ये हो गया हमारा आंसर. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. यहां क्या दिया हुआ है हमारा प्राइस, यहां देख लो फॉल्स बाई है रुपीज 2 पर यूनिट. मतलब ये हमारा डेल्टा पी इज गिवन दैट इज -2. जब भी फॉल्स लिखा रहेगा नेगेटिव साइन देंगे, दैट इज डिक्रीज. क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स, मतलब डेल्टा क्यू दिस इज इक्वल टू 10. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज गिवन 1. याद दिया हो ना डिमांड इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी डिमांड दिस इज इक्वल टू -1, लिखेंगे -1. कैलकुलेट क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज, मीन्स यहां प्राइस ओरिजिनल दिया हुआ है P0 दैट इज इक्वल टू रुपीज 10 पर यूनिट. व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वांटिटी, ये निकालना है. बस फॉर्मूला लिखेंगे इलास्टिसिटी का,
जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पोस्ट कर देंगे और फिर जो नहीं दिया हुआ उसको कैलकुलेशंस कर लेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी और इनटू पी जीरो बाई क्यू जीरो एंड दैट इज इक्वल टू गिवन माइनस वन डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 10, दिस इज 10, डेल्टा पी माइनस टू दैट इज माइनस टू इंटू पी जीरो, पी जीरो इज गिवन दैट इज 10 डिवाइडेड बाई क्यू जीरो निकालना है इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ट्वाइस क्यू जीरो, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 दैट इज 100, दैट इज क्यू जीरो इज इक्वल टू 100 बाई टू दैट इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी हो गया हमारा 50 यूनिट्स, दैट द आंसर। अब आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे जिसमें इलास्टिसिटी का वैल्यू निकालना होगा और चारों क्वांटिटी मतलब ओरिजिनल फाइनल प्राइस और ओरिजिनल फाइनल क्वांटिटी चारों दिया रहेगा और निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर दिया हुआ है क्या, प्राइस इज 12 पर यूनिट, मतलब पी जीरो इज इक्वल टू रुपीज 12, कंज्यूमर बाइज दैट इज 24 यूनिट्स, तो प्राइस राइजेस टू रुपीज 14, मतलब पी वन इज इक्वल टू रुपीज 14, तो व्हाट इज डेल्टा पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू 14 माइनस 12 दैट इज 2, क्यू जीरो इज इक्वल टू 24 एंड क्यू वन दैट इज फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। अब दोनों का डिफरेंस निकलेगा हमारा क्या, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमारा क्या था, सिंपल, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी जीरो बाई क्यू जीरो। वैल्यूज अब हम इसमें पुटअप करेंगे तो डेल्टा क्यू कितना निकाला हमने, माइनस 4, डेल्टा पी दिस इज 2, पी जीरो 12 एंड क्यू जीरो दैट इज 24, दिस इज इक्वल टू द 12 4 48 एंड दिस इज 48 दैट इज माइनस 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू माइनस 1, व्हिच इज अ केस ऑफ यूनिट इलास्टिक डिमांड। सिंपल। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में टोटल एक्सपेंडिचर दिया रहेगा और प्राइस या क्वांटिटी दोनों में से कोई एक भी, फाइनल ओरिजिनल दोनों दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में प्राइस दिया हुआ है ओरिजिनल प्राइस और फाइनल प्राइस और एक्सपेंडिचर ओरिजिनल और एक्सपेंडिचर फाइनल दोनों दिया हुआ है और हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऐसे केसेस में हम सबसे पहले निकालेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी और फिर निकालेंगे व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा पी तो निकल जाएगा क्योंकि दोनों प्राइसेज हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या है हमारा कि यहां पर ओरिजिनल प्राइस दिस इज इक्वल टू रुपीज 7 पर यूनिट, तो रुपीज 7 एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनिशियल जो हमारा दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 3500 रुपीज। तो इससे हम क्या निकालेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी दिस इज क्यू जीरो, क्यू जीरो ये कैसे निकलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर ओरिजिनल और डिवाइडेड बाय प्राइस ओरिजिनल दिस इज इक्वल टू 3500 और डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 500 यूनिट्स निकल गया हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, अब यहां पर सेकेंड दिया हुआ क्या कि फाइनल प्राइस, जो प्राइस हमारा घट गया कितना आया दैट इज 5 रुपीज पर यूनिट, तो फाइनल प्राइस रुपीज 5 एंड फाइनल एक्सपेंडिचर दैट इज ऑल्सो गिवन 6250 रुपीज, दैट इज 6250। इनसे फिर क्या निकलेगा हमारा दैट इज फाइनल क्वांटिटी क्यू वन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर 6250 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1250 यूनिट्स। अब ये दो क्वांटिटी आ गया, इन दोनों से क्या निकलेगा डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1250 और माइनस 500 दिस इज इक्वल टू 750 यूनिट्स एंड व्हाट इज डेल्टा पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू दैट इज 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2। अब ये दोनों क्वांटिटी हमने निकाल लिया, नाउ जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड दैट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी और इंटू पी जीरो बाई क्यू जीरो। अब सारा हमारा वैल्यू दिया हुआ है और जो नहीं दिया था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू पोस्ट करेंगे, डेल्टा क्यू 750
50 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी माइनस 2 इंटू पी जीरो दैट इज 7 एंड क्यू जीरो दैट इज 500, ये हमारा दिया हुआ है. दिस इज 25 3 25 2 3 7, दिस इज इक्वल टू 21 दैट इज माइनस 21 बाय 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 5.25. दैट इज द आंसर. इस क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया हुआ है तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि हम इसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से बना देंगे. कैलकुलेशंस का मतलब एग्जैक्ट निकालना वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं निकलता, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे परसेंटेज मेथड से. जब भी लिखा रहेगा कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब आते हैं 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जिसमें स्लोप दिया रहेगा डिमांड कर्व का. डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू. और ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी दोनों दिया रहेगा. जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 एंड इनिशियल प्राइस दैट इज पी जीरो इज गिवन रुपीज 12 एंड क्वांटिटी इज 24 यूनिट्स. मतलब यहां हमें दिया हुआ है डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व का ये हमारा स्लोप दिया हुआ है. दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2. ठीक है. और यहां हमारा दिया हुआ है पी जीरो. दिस इज इक्वल टू पी जीरो कितना दिया हुआ है तो रुपीज 12. और क्यू जीरो इनिशियल क्वांटिटी दिया हुआ है हमारा कितना 24 यूनिट्स, ये दिया हुआ है. ठीक है. तो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी और इनटू पी जीरो बाय क्यू जीरो. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/ दिस इज डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू दैट इज स्लोप 1/ स्लोप और इनटू प्राइस एंड क्वांटिटी रेशियो. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब दिस इज इक्वल टू 1/ नाउ दिस इज माइनस 1/2 और इनटू पी जीरो इट इज गिवन दिस इज 12 दिस इज 24 इज इक्वल टू माइनस 2 और इनटू दिस इज 2 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. अब आते हैं 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जिसमें रेशियो चेंज इन क्वांटिटी और ओरिजिनल क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस और ओरिजिनल प्राइस दोनों दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इलास्टिसिटी का वैल्यू. जैसे सपोज क्वेश्चन हमने यहां पर लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज चेंज इन क्वांटिटी मीन्स डेल्टा क्यू बाई क्यू जीरो that is equal to given 0.2 and second one that of price but the same ratio price ka hamara hoga means delta p by p0 change in price by original price that is equal to 0.25. what is the value of elasticity of demand ye nikalna hai. So just write down the formula first jo hum jante hain delta q by delta p into p0 by Q0. ठीक है, इसको हम बस रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो डेल्टा Q by Q0 और इनटू P0 by डेल्टा P. ये तो क्वांटिटी हमारा दिया हुआ है लेकिन डेल्टा P by डेल्टा P0 दिया हुआ है, इसको बस रेसिप्रोकेट कर देंगे तो दिस इज डेल्टा Q by Q0 और इनटू 1 by दिस इज डेल्टा P by P0. Now put the value. This is equal to 0.2. This is 0.2 or into 1 by this is 0.25 is equal to 0.2 or into 4. This is equal to 0.8. It is always negative. Put minus sign. ये हो गया हमारा answer. अब आते हैं हम total expenditure method, जो second method जो syllabus का part है हमारा. इसका main जो पॉस्टुलेट्स या मेन फीचर्स क्या है कि अगर प्राइस बढ़ता है और टोटल एक्सपेंडिचर घट जाता है या प्राइस घटता है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो कहते हैं इलास्टिसिटी का वैल्यू जो हमारा यहाँ पर है मोर देन वन है.
मोर देन वन है इसका मतलब वन से कितना, 1.5, 2, 2.5 कैन नॉट बी सेड. सिर्फ ये बताता है कि ये डिमांड हमारा इलास्टिक होगा और इसका वैल्यू मोर देन वन होगा अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करेगा तो. सेकंड क्या है कि अगर प्राइस बढ़ जाता है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, और प्राइस अगर घटता है और टोटल एक्सपेंस भी घटता है, तो ऐसी स्थिति में वैल्यू इलास्टिसिटी का लेस देन वन होगा. अब लेस देन वन में मतलब 0.8 होगा, 7 होगा, 0.6 होगा, नहीं कह सकते. सिर्फ ये बताता है कि डिमांड ये हमारा इन इलास्टिक होगा. और तीसरा क्या है कि अगर प्राइस बढ़े या घटे, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कॉन्स्टेंट होता है, तो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वन, मीन्स ये हमारा होगा यूनिट इलास्टिक. और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, प्राइस और क्वांटिटी का, दैट इज प्रोडक्ट. मतलब इस मेथड में एग्जैक्ट वैल्यू इलास्टिसिटी का कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. यहां दिया हुआ है क्या कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम ₹10 टू ₹12 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड जो था हमारा डिक्रीज फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 18 यूनिट्स. तो फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो एक हमारा बना लेते हैं कॉलम, जिसमें एक कॉलम लिखते हैं प्राइस, एक कॉलम में लिखते हैं क्वांटिटी, और थर्ड कॉलम में टोटल एक्सपेंडिचर. दिस इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी. ये तीन कॉलम बना लेंगे. यहाँ पर हमारा दो रो होगा, एक में हमारा इनिशियल प्राइस, दूसरे में फाइनल प्राइस. इनिशियल कितना है 10, फाइनल प्राइस इज 12. कितना क्वांटिटी है पहले, दिस इज 20 यूनिट्स एंड दिस इज 18 यूनिट्स. इन दोनों का प्रोडक्ट 20 इंटू 10, दैट इज 200 रुपीज. ये रुपीज हो गया 200, और 18 इंटू 12 36, 216. अब यहां ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारा कि प्राइस इंक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस. 200 रुपया था, 216 हो गया, बढ़ गया प्राइस के बढ़ने से. तो देयरफॉर हम बस सिर्फ लिखेंगे क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारा यहां पर होगा लेस देन वन होगा, दैट इज इन इलास्टिक डिमांड होगा. अब ये एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा इस मेथड से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते. यही हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड. दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.